आज के ट्यूटोरियल में हम कैलीग्राफी के लिए बैकग्राउंड पेंट करना सीखेंगे, जो बहुत ही इजी है। इसके लिए हमें वाटर कलर्स चाहिए। मैं यूज करती हूँ ये कैमलिन वाले, जो हमें इजीली किसी भी स्टोर में मिल जाएंगे। और पेपर, ये वाला जो मैं आज यूज कर रही हूँ वो कैंसन ग्रांड का मिक्स मीडियम पेपर है, जिसका वेट 200 GSM है। पेपर हमें थोड़ा थिक चाहिए होगा, क्योंकि पानी, ताकि पेपर आराम से रिटेन करे और ज़्यादा पानी लगने से ख़राब ना हो। एक थिक ब्रश, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ब्रिसल्स काफ़ी थिक है, तो ये पानी थोड़ा होल्ड करता है, इसमें ज़्यादा पानी आ सकता है। साथ देने लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, कि एक तो जो आपका ब्रश हो वो गीला हो, तो हम इसका पानी ऐसे नहीं निकालेंगे, उसको ऐसे गीला ही रहने देंगे। और जो आपके कलर्स हो वो एकदम अच्छे से एक्टिवेटेड हो, तो आप शायद देख सकते हैं शाइनी है, क्योंकि मैंने काफ़ी पानी डाला है। अब मैं अपने गीले ब्रश को थोड़े से कलर में लेके ऐसे डार्क करना शुरू करूंगी, और कलर लाइट ही होना चाहिए, वरना आपकी लेटरिंग दिखेगी नहीं, आपकी कैलीग्राफी बिल्कुल दिखेगी नहीं। और फिर आप चूज कर सकते हैं कलर, अगर आप ऑरेंज येलो शेड यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्लू मिक्स मत करना, क्योंकि वो फिर एक बहुत डार्क कलर बना देता है। तो मैं ऑरेंज येलो पिंक ये सब एक साथ यूज करती हूँ, और ब्लू ग्रीन वॉयलेट ये सब एक साथ यूज करती हूँ। तो आप देखोगे कि काफी गीला गीला ही रखना है इसको, क्योंकि अगर ड्राई आउट होता है तो ये कलर्स अच्छे से ब्लेंड नहीं होते, और इसीलिए हम थिक पेपर भी यूज करते हैं, क्योंकि थिक पेपर में गीला रहने से पेपर खराब नहीं होता, मतलब पेपर मुड़ेगा नहीं, वो तब भी सूखने के बाद एकदम अच्छे से आप यूज कर सकते हो उसमें कैलीग्राफी करने के लिए या फिर ब्रश लेटरिंग करने के लिए। अब इसको एक छोटा सा थोड़ा सा बाहर से अनइवन सा अगर आप शेप दोगे तो वो नेचुरली फ्लोई लगता है, तो इसीलिए मैं इसको एकदम अनइवन शेप दे रही हूँ। थोड़ा इसको एक्साइटिंग करने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसमें थोड़ा ज्यादा थोड़ा डार्क कलर लेके ऐसे टैप कर दो। ऐसे टैप करने से क्या होगा, आपके पेपर के चारों तरफ छोटे छोटे छींटे बन जाएंगे, जो अच्छा सा इफेक्ट देते हैं बाद में। और बस इतना सा ही, ये आपका एक बैकग्राउंड बन गया है। इसको हम पहले ड्राई होने देंगे, और जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें कैलीग्राफी करेंगे। मैंने इसे एक ड्राई रेडी करके रखा है, ये थोड़ा सा शाइनी है क्योंकि इसमें मैंने ग्लिटर कलर वॉटर कलर्स भी यूज करे थे, पर जरूरी नहीं है कि आप यूज करें, आप अगर नहीं भी यूज करते हैं तो भी वो इतना ही प्रिटी लगता है। तो ये ड्राई हो रहा है, और ये जो मैंने पहले से ही बना के रेडी रखा है, इसमें हम कैलीग्राफी स्टार्ट करते हैं।